तो हेलो एवरीवन, आज मैं सलून जा रहा हूँ, मेरा बियर्ड वगैरह सेट करवाना। तो मुझे बहुत कमेंट आए थे, ये हंटर इंटेंस है अरमाफ का, बहुत अजीब तरीके से बंद होता है ये हंटर इंटेंस है तो अरमाफ का, इस पे मैं वीडियो बनाऊँ और बताओ। तो देखो, दो दो महीने से या 3 महीने से ये मैसरेशन में ही पड़ा था, ठीक है। और इसको कहते हैं डियोर सुवाज का और इन्विक्टस का क्लोन है। पहले डियोर सुवाज जैसा कुछ वाइब देता है, बाद में इन्विक्टस जैसा हो जाता है, ऐसा स्विच होता रहता है। यहाँ से स्मेल काफ़ी अच्छी है, स्वीट सिट्रसी स्वीट स्मेल है। इसको लगाता हूँ मैं, अप्लाई करता हूँ, स्किन पे भी स्प्रे करूँगा, थोड़े कपड़ों पर भी करूँगा, और बाइक से जा रहा हूँ मैं आज। एक चार हो गए भाई, मत कर यार, गलत टाइम पे भोगता रहता। चार पाँच छ सात आठ, आठ ही ना फिर, लेकिन और एक आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ऐसा स्प्रे इसका कुछ। देखो, सॉरी, एक साइड में चला गया था इसलिए। हाँ तो हाँ, ये बताना मैं भूल गया कि इसका स्प्रेयर है ना, बहुत मतलब गंदा है। देखो, इसका ना थूक फेंकता है पूरा स्प्रेयर। ऐसा स्प्रे अच्छा होता है, लेकिन पूरा पानी फेंकता है, ठीक है। काफी लाइट सी स्मेल है, स्वीट सिट्रसी फ्रेश लगती है, ठीक है। अमेजोन से खरीदा था मैंने कुछ 1800 में, पता नहीं क्या हिल हिल क्यों रहा है अभी ये। इसका पता नहीं, बोतल इसका इतना अच्छा नहीं, खास नहीं है, स्प्रेयर भी इतना अच्छा नहीं है। सलून जाके आता हूँ, उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। तो देखो, वेदर कुछ ऐसा है, बारिश हुई थी, बाहर आज दिखा होगा थोड़ा गीला है। शाम के 5 बजे अभी बाइक गंदी होने वाली है मेरी, बारिश हुई थी, कुछ ऐसा मौसम है। और इसमें टेस्टिंग हो गई आज ये परफ्यूम की, लेकिन बुरी चीज़ ये लगती है, मौसम अच्छा है लेकिन बारिश की वजह से बाइक पूरी गंदी हो गई है, टायर वायर सब कुछ गंदा हो जाएगा इसका। काफ़ी अच्छे से धुलवा के रखी थी ये बाइक। देखो, गया तो था मैं हेयर कट करवाने, अभी 5:30 जैसा, 5 बजे आसपास मैंने ये लगाया था, 5:30 अभी हो गए, 7 बज चुके। कपड़े में से आ रही है, हाथ में मैंने लगाया था, वहां से नहीं आ रही है। देखो, मैं गया था बाल कटवाने और ये कपड़ों पे और स्किन पे लगाया था मैंने, स्किन पे इसकी स्मेल पे आ रही है, स्किन पे आ रही है इसकी, हल्की सी इसमें है अभी भी, तो स्किन पे आ रही है इसकी। मैंने हाथ भी धो लिए साबुन से, ये वाले यहाँ पे नहीं धोए, लेकिन यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे मैं धो चुका हूँ। तो ये लताफ का फकर, ये इसका जब टेस्ट करा था ना, तभी भी मैंने ये कपड़ों पे और स्किन पे लगाया था, और बाइक चला, मतलब उस दिन भी मैं बाइक से मूवी देखने गया था, तो ये ना ही कपड़ों पे इसकी स्मेल थी और ना ही हाथ पे थी, मतलब थोड़ी कपड़ों पे थी, हाथ पे तो बिल्कुल स्किन पे थी ही नहीं। तो इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस है इसकी डेफिनेटली, मतलब बाइक की वजह से जो हवा आती है उसमें ये फेड आउट हो जाता है। तो मैं इसका वापस से टेस्ट करूंगा अभी, और ये मैं टी शर्ट निकाल दूंगा और घर पे कहीं पे टांग दूंगा और इस पर मैं स्प्रे कर दूंगा, दिखाता हूँ आपको अभी वीडियो में। तो देखो, ये है वो टी शर्ट, ठीक है, इसके इसके ऊपर कर लगाएंगे हम स्प्रे, टेस्ट करने के लिए कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। दिख रहा हूँ ना मैं यार, दिखता ही नहीं हूँ इसमें, पीछे दीवार में घुस जाऊँ तो भी नहीं दिखूँगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेरी तरफ से 2, और ये मैं टांग के रखूँगा घर में और बताऊँगा इसकी स्मेल परफॉर्मेंस क्या थी कितने दूर से। अभी तो काफ़ी एयर ही है तो फैल चुके घर में, बाल कटा लिए, सही है ना, अभी बाल काफी पूरा ऐसे जंगली हो गया था, तो बताता हूँ मैं, ठीक है, जल्दी से। तो ये मैंने अरमाफ, और अरमाफ क्या है, तो मैंने ये अरमाफ का हंटर इंटेंस है उसको स्प्रे करा था, 8 या 10 स्प्रे जितने करे थे मैंने इसके। तो इसकी स्मेल है ना, देखो 24 घंटे हो चुके, आज नेक्स्ट डे 5 बजने आए हैं, 5 बज चुके हैं अभी, तो इसकी स्मेल आ रही है अभी भी कपड़ों पे से, लेकिन स्किन पे इसकी इसकी स्मेल इतनी लास्ट नहीं करती है।
और प्रोजेक्शन इसका मैं बताऊंगा ठीक ठाक है, ठीक है। मेरे को 2 घंटे में ये प्रोजेक्शन मतलब 2 घंटे जैसा फील हुआ था इस रूम में। 3रे घंटे में फेड आउट होना स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर भी मैं रूम बाहर गया था और फिर अंदर आ रहा था रूम में, तो ये फील हो रहा था कि हाँ इसका है प्रोजेक्शन। और जब लगाता हूँ ना तो इतना ज्यादा पता नहीं चलता, लेकिन दूसरों को डेफिनेटली इसके बारे में पता चलेगा, क्योंकि मैं जब रूम से बाहर गया था और फिर वापस एंटर कर रहा था तब ये मुझे फील हुआ था, ठीक है। तो ये चीज है, इसकी थोड़ी पॉजिटिव है। और ये लोग कहते हैं इसको इन्विक्टस का और डियर सुवाच का क्लोन है, मतलब स्टार्टिंग में इन्विक्टस जैसा फील होता है स्वीट, और बाद में डियर के सुवाच जैसा फील होता है। ना ही मैंने डियर सुवाच यूज करा है, ना ही मैंने इन्विक्टस यूज करा है, लेकिन तो मेरे पास ये रसासी का हवस है। तो इसके साथ थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज है, 40% जैसी है इसमें। वो बबल गमी स्वीटनेस नहीं है डेफिनेटली, लेकिन जो दूसरी जो एक्वेटिक टाइप की स्वीटनेस फील होती है वो थोड़ी है, सिट्रसीनेस और एक्वेटिकनेस इसमें है, ठीक है। ये थोड़ा सा सिमिलर फील होता है, लेकिन मुझे खुद को लगाने पे इसका प्रोजेक्शन फील नहीं हो रहा था। लेकिन देखो ये है ना, इसका बैच कोड और मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स होगी इस पे। तो 2022 का बैच है मेरा ये। और ये देखो दूसरे भी अरमाफ के मैंने प्रोडक्ट यहाँ पे रखे हैं, तो ये भी सेम काइंड ऑफ ही है। मुझे ये तो मेरा मेसरेशन में पड़ा है, इसके साथ तो इशू है मेरा। ये भी काफी लाइट है और ये भी इनमें से ही था, लेकिन 3-4 महीने मेसरेशन करने के बाद अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि इसके साथ आप जाओ, ठीक है। अगर आपको मेसरेशन करना है, थोड़ा टाइम रखना है और फिर भी आपको लाइट परफॉर्मेंस चाहिए तो ये ले सकते हो, वरना ये साइड बहुत सारा ऑप्शन है। ये भी अरमाफ का ही है, लेकिन ये काफी तगड़ा है। ये तगड़े वालों में से बता रहा हूँ, ठीक है। ये तगड़ा है काफी, ये भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन ये तगड़ा नहीं है, ये ठीक ठाक वाला है। कपड़ों पे रह जाएगा काफी, कपड़ों पे अगर आपको चाहिए किसमें लाती रहे तो ये ले लो, ठीक है। या तो प्रोजेक्शन इसका ठीक ठाक है, अगर आपको ऐसे ही जिम वगैरह में या तो फिर ऐसे ही क्लोज एनवायरमेंट में चाहिए तो ये ठीक है, लेकिन ऐसे बाहर आउटडोर्स में समर परफ्यूम नहीं है, मतलब समर परफ्यूम है लेकिन तड़के में धूप में घूमने वाला समर परफ्यूम नहीं है ये, ठीक है। शाम को या तो घर में लगाने वाला टाइप ऑफ परफ्यूम है, तो ये एक्सपेक्ट मत करना इसको कि ये बाहर घूमोगे यार आप ये चलता रहेगा, फेड आउट हो जाएगा जल्दी काफी। स्मेल काफी ब्यूटीफुल है, मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन ये घर में लगाना मैं पसंद करूंगा ज्यादा, क्योंकि बाहर इतना इसका परफॉर्मेंस नहीं है। परफॉर्मेंस इसकी लाइट है, कपड़ों पे स्किन पे रह जाएगी, लेकिन दूसरों को कम फील होगी, ठीक है, सराउंडिंग्स में कम फील होगी। तो ये था इसका रिव्यू, ठीक है। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो मैं किसी और आगे किस चीज पे वीडियो बनाऊं, किस परफ्यूम पे वीडियो बनाऊं, या परफ्यूम के अलावा भी कुछ और चाहते हो मैं किसी चीज के ऊपर वीडियो वगैरह बनाऊं तो मैं बना सकता हूं, ठीक है। तो ये थी इसकी वीडियो, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।